नमस्कार, नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको 11 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। ये सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो आइए देखते हैं आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। सवाल नंबर 1, बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। और इसका सही जवाब ए 1 है। सवाल नंबर 2, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का स्थान भारत में कितने नंबर पर है? ए 9वां, बी 10वां, सी 11वां, डी 12वां। और इसका सही जवाब डी 12वां है। सवाल नंबर 3, पटना हाई कोर्ट की स्थापना किस साल में हुई थी? ए 1912, बी 1916, सी 1918, डी 1921। और इसका सही जवाब बी 1916 है। सवाल नंबर 4, सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या थी? ए कृषि, बी व्यापार, सी पहिया बनाना, डी बढ़ई गिरी। और इसका सही जवाब ए कृषि है। सवाल नंबर 5, किस नेता ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ए नेहरू, बी अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। और इसका सही जवाब बी अंबेडकर है, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। सवाल नंबर छह, पंचतंत्र की कहानियां किनके द्वारा संकलित की गई है? ए वाल्मीकि दास, बी वेद व्यास, सी कालिदास, डी विष्णु शर्मा। और इसका सही जवाब डी विष्णु शर्मा है। सवाल नंबर 7, दूध का पीएच मान कैसा होता है? ए थोड़ा अम्लीय, बी थोड़ा क्षारीय, सी अत्यधिक अम्लीय, डी अत्यधिक क्षारीय। और इसका सही जवाब ए थोड़ा अम्लीय है। सवाल नंबर 8, इनमें से कौन पाचन क्रिया में मदद करता है? ए खनिज, बी विटामिन, सी एंजाइम, डी हार्मोन। और इसका सही जवाब सी एंजाइम है। सवाल नंबर 9, 400 डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए चेतन भगत, बी अमिताभ घोष, सी झुंपा लहरी, डी रस्किन बॉन्ड। और इसका सही जवाब ए चेतन भगत है। सवाल नंबर 10, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बाल मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से हाल ही में किस पहल की शुरुआत की है? ए आयुष, बी मुस्कान, सी संवेदना, डी सार्थक। और इसका सही जवाब बी मुस्कान है। सवाल नंबर 11, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी बुध। और इसका सही जवाब सी शुक्र है। पिछले सेट में हमारे जिन दर्शकों ने सबसे ज्यादा सही जवाब दिए उनके नाम इस स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे इस सेट में आप कितने सवालों के जवाब दे सके हैं आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। सबसे ज्यादा सही जवाब देने वालों का नाम हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।